अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको 5 ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें आप कर सकते हैं जिसकी मदद से आपकी डॉग की लाइफ स्पैन शायद बढ़ जाएगी। यानी अगर आपकी डॉग की लाइफ स्पैन करीब 10 से 12 साल के आसपास है तो उसकी लाइफ स्पैन शायद थोड़ी और बढ़ जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डॉग्स की लाइफ स्पैन काफी कम होती है, खासकर कि बड़े डॉग्स की, जिनकी एवरेज लाइफ स्पैन करीब 6 से 8 साल तक की ही होती है। लेकिन जो छोटे डॉग्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। और हम सभी ये चाहते हैं कि जिन डॉग से हम प्यार करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ जितने टाइम तक पॉसिबल हो सके रह सके। लेकिन हमारे डॉग्स की लाइफ कितनी लंबी होगी ये हम पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से रखते हैं, कैसे उसका ख्याल रखते हैं, किस एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं। तो हम आपको कुछ 5 चीजें बताएंगे जो आप अपने डॉग के लिए कर सकते हैं, जो आपके डॉग की लाइफ स्पैन को थोड़ी बढ़ाने में मदद करेगा। तो इन 5 चीजों में सबसे पहला टिप है जो आप अपने डॉग के लिए कर सकते हैं, वो है कि आप अपने डॉग का वेट मेंटेन रखें। दोस्तों, आजकल के टाइम में डॉग्स काफी ज्यादा ओवरवेट होने लगे हैं, लेकिन उनके ओनर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। डॉग्स ज्यादा खाने की वजह से ही मोटे होते हैं। हम जो ह्यूमंस फ्राइड फूड खाते हैं वो भी हम कभी कभार डॉग्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ज्यादा फैट आ जाता है। और कभी कभार वो अपना पेट फूड भी ज्यादा खा लेते हैं या फिर अपना खाना ज्यादा खा लेते हैं, और उनको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलती, जिस वजह से वो मोटे हो जाते हैं। डॉग ज्यादा ओवरवेट ना हो जाए इसी बात का हमें ध्यान रखना है, लेकिन वो ज्यादा कमजोर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। बस आपको उसका एवरेज वेट मेंटेन रखना है और उसे टाइम टू टाइम खाना दीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं। इनमें दूसरा टिप जो आप अपने डॉग के लिए कर सकते हैं वो है डॉग्स के लिए वैक्सीनेशंस और टाइम टू टाइम चेकअप्स। जब भी हम कोई पपी लेते हैं तो हमें उस पपी का वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, और ये उनकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये वैक्सीन से हमारे डॉग को बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बचा के रखता है, जैसे पार्वो वायरस, कोरोना वायरस और रेबीज जैसी बीमारियों से। पार्वो वायरस छोटे पपीज को होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, और ये उन छोटे पपीज के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो प्लीज आप अपने डॉग को वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपने डॉग को आप किसी वेटरिनेरियन के पास टाइम टू टाइम चेकअप के लिए भी जरूर लेकर जाए, जिससे होगा ये कि अगर आपके डॉग में कोई बीमारी होगी तो उसके फैलने से पहले ही उसको ट्रीट किया जा सकता है, इससे पहले कि कुछ और नुकसान हो जाए। तीसरा टिप है डॉग्स के दांतों की केयर करना। दोस्तों, डॉग्स के लिए दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम्स काफी नॉर्मल होती है, लेकिन दांतों की सड़न या फिर कहे तो टूथ डिके डॉग्स के लिए काफी बड़ी परेशानी हो सकती है। ये दांतों को तो खराब करता ही है, साथ में बॉडी के अंदर भी बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर की किडनीज और हार्ट में। इससे बचने के लिए आपको अपने डॉग के दांतों को रेगुलर ब्रश करना पड़ेगा। डॉग्स को ब्रश करवाना काफी मुश्किल काम हो सकता है, और इस टाइम ये काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन डॉग्स को ब्रश करवाना जरूरी है। मार्केट में बहुत से डॉग ब्रश किट अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान दें कि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे कि क्लोजअप या फिर पेप्सोडेंट वगैरह, उन टूथपेस्ट का डॉग्स पे यूज ना करें। डॉग्स के लिए एक अलग से टूथपेस्ट आता है, आप उसका यूज करें। आपको अपने डॉग को वीकली कम से कम 2 बार तक ब्रश करवाना ही चाहिए। इससे होगा ये कि इससे दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम्स तो जाएगी ही, लेकिन उसी के साथ डॉग्स के मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। फोर्थ स्टेप जो आपको अपने डॉग के लिए करना चाहिए वो है डॉग को रेगुलर एक्सरसाइज करवाए। दोस्तों, डॉग्स को भी हम ह्यूमंस की तरह एक्सरसाइज की जरूरत होती है, लेकिन ये सच है कि बहुत से डॉग ओनर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। डॉग्स को हर रोज कम से कम 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करवानी जरूरी है, और उसी के साथ इनको वॉक पे भी लेकर जाए कम से कम 2 से 3 बार हर रोज। एक्सरसाइज करवाने से होगा ये कि डॉग का वेट तो मेंटेन रहेगा ही, और वो हेल्दी भी रहेगा, और उसी के साथ साथ वो इमोशनली और मेंटली भी हेल्दी रहेगा। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉग को थोड़ी एक्सरसाइज करवा दे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सरसाइज के तौर पे आप इनके साथ बॉल फेच वगैरह जैसी गेम्स भी खेल सकते हैं, जो कि काफी इजी होती है। फिफ्थ टिप है कि आप अपने डॉग को थोड़ा रेस्ट दे। हर किसी को आराम की जरूरत होती है, और ये हमारे डॉग पे भी अप्लाई होता है। एक्सरसाइज कराने के बाद, अपने ओनर के पीछे दिन भर घूमने के बाद, अलग अलग एक्टिविटीज करने के बाद डॉग काफी थक जाते हैं,
तो उनको आराम की जरूरत होती है। जो एज डॉग्स होते हैं यानी कि जिनकी उम्र काफी बड़ी होती है यानी करीब 10 से 12 साल के आसपास, उनको भी काफी रेस्ट की जरूरत होती है और उनको एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा ना करवाए तो ही अच्छा रहता है। तो ये थे कुछ 5 टिप्स जो आप अपने डॉग के लिए कर सकते हैं जिससे उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ आपको अपने डॉग की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करनी पड़ेगी, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, यानी कहे तो आप उसको एक ऐसा फैमिली मेंबर की तरह समझ के रखें जिसकी आपको पूरी तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो हमारा जो डॉग है टॉम, वो अपनी एज के हिसाब से काफी हेल्दी और एक्टिव है। अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई अपने डॉग के लिए करने के लिए, वो हम अपने टॉम के साथ भी करते हैं, लेकिन बस उसको वेटरिनेरियन के पास चेकअप के लिए बहुत ही कम लेकर जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करिए नीचे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।